हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा यानी कि भीके इसी में बीए यानी कि आर्ट्स ले या दोस्तों बीएससी यानी कि साइंस ले या दोस्तों बीकॉम यानी कि कॉमर्स से अगर आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, अगर फर्स्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है, उन लोगों को दोस्तों स्पॉट कोटा के अंतर्गत उन लोगों को एडमिशन करा रहा है, उसके उस पर मैं वीडियो अच्छे से बता रहा हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट आया था और सेकंड लिस्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जब आया था, उस समय आपको पूरी अच्छी ढंग से टाइम दिया गया था कि आप अपने जो भी है अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे, ऑनलाइन आवेदन पेमेंट करेंगे, जाकर अपने जिस कॉलेज में है वहां पर एडमिशन करा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ, उसमें क्या हुआ, दो दिन का टाइम ही मिला, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चला कि कब लिस्ट निकला और कब नहीं। तो उन लोगों का भी दोस्तों यहाँ पर दूसरे दिन तीसरे दिन गए वो ऑनलाइन सेंटर, तो उन लोगों को पता चला कि अभी ऑनलाइन में दिक्कत है, यानी कि जो पेमेंट है वो लिख रहे हैं डेट ओवर, यानी कि दो दिन के टाइम दिया गया था और तीसरे दिन जाकर अपने कॉलेज में सबमिट करना था। तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब जो तीसरे लिस्ट में एडमिशन नहीं करा पाए या दोस्तों जिनका नाम ही नहीं आया तीनों लिस्ट में, उन लोगों को स्पॉट कोटा के अंतर्गत यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। कैसे एडमिशन लिया जाएगा वो प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं, स्पॉट कोटा के अंतर्गत 27 तारीख 27 सितंबर और 28 सितंबर को होने वाला था, लेकिन तो जो कोटा के अंतर्गत जो भी कॉलेज के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, उनके पोता पोती होते हैं, यानी कि उन लोगों के कोटा के अंतर्गत यहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ पर मैं 29 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 29 सितंबर को, और 30 सितंबर, अगले 30 सितंबर को इसकी बैठक होगी सभी लोगों का, जो यहाँ पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के जो विजय सिंह है उन लोगों के यहाँ से बैठक होगी 30 तारीख को। 30 तारीख यानी कि कल के डेट में पता चलेगा आपका कि कब स्पॉट कोटा का आवेदन होगा, कैसे छात्रों का एडमिशन लिया जाएगा, कल फैसला जारी होगा। तो मेरा एक कल वीडियो आप लोग अवेलेबल होगा, जिसके माध्यम से इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा, और कहां से लिंक एक्टिवेट होगा वो भी मैं बता देता हूं। दोस्तों, जहां से आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि स्पॉट कोटा का टाइम, डेट, कैसे लिंक होगा, कहां से आवेदन करेंगे, अगर उस प्रोसेस का वीडियो जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आप स्पॉट कोटा का ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर दोस्तों आ गया हूँ, तो यहाँ पर बताने वाले हैं भीके इशू स्पॉट एडमिशन 2022 यानी कि 2022 में जो एडमिशन कराना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, उन लोगों का स्पॉट एडमिशन कहां से ऑनलाइन आवेदन होगा, उसका लिंक मैं बताने वाला हूं कि कहां पर सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। जैसे कि यहां पर बता दूं कि गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com, जो पहला वाला वेबसाइट शो कर रहा है इस पे हमको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं, याद रहे कि सबमिट में आपको डबल टी टाइप करना है, जैसे onlinesubmit.com। दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हर एक तरह के न्यू अपडेट मिल जाती है। जैसे कि मैं चला जाता हूं नीचे, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो बिहार का साइट है, बिहार ऑल साइट्स में चले जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भीके इशू यूजी बीए बीएससी बीकॉम स्पॉट एडमिशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। या दोस्तों, ऊपर के यहाँ पर ऊपर में भी इसका लिंक दिया गया है, भीके इशू यूजी बीए बीएससी बीकॉम स्पॉट एडमिशन, इसको हमको क्लिक कर देना है। ये दोस्तों पूरी फाइल को क्या करेगा, ओपन कर देगा। जैसे कि आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अप्लीकेशन स्टार्टिंग और लास्ट डेट टुडे नोटिफाइड। यहाँ पर आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, जितने भी मिनट का समय मिलेगा, कैसे स्लॉट बुक कर सकते हैं, सारी जानकारी के साथ यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बस इस वेबसाइट पर बने रहिएगा, इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि कैसे कैसे एडमिशन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट 30/9/2022, 30 तारीख को जो बैठक होगी उसमें पता चलेगा कि कब लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले किया जाएगा और आप अपना टाइम देकर आप अपना स्लॉट बुकिंग कर लेना और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चले, तो मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।